दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हो अभी लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ा सा क्रिटिकल है और सेंसिटिव के साथ गंभीर भी है, पर आगे जाके ये उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे स्मार्टफोन का लॉन्च इवेंट आपको नहीं देखने को मिल रहा है, यानी बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड जो स्मार्टफोन का लॉन्च इवेंट है वो कैंसिल कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है, और वो आगे जाके आपको कुछ दिन में देखने को मिल जाएगा। इसी समय ऑनर ने चाइना में लॉन्च कर दिया है ऑनर की तरफ से एक वन ऑफ द बेस्ट चीपेस्ट स्मार्टफोन, और वो भी 5G स्मार्टफोन ऑनर 30S। अब ये तो चाइना में लॉन्च हो चुका है और उम्मीद करते हैं भारत में भी बहुत जल्द ये स्मार्टफोन ऑनर लॉन्च करेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको ऑनर 30S के बारे में बताऊंगा। जानता हूं उतना इंटरेस्ट आपको ऑनर के फ़ोन में नहीं है, क्योंकि गूगल के साथ थोड़ा सा पंगा चल रहा है, पर ये जो स्मार्टफोन होने वाला है ये आपको काफ़ी पसंद में आएगा, एटलीस्ट मुझे तो आया है। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं ऑनर 30S का रिव्यू ऑफ स्पेसिफिकेशन, इसमें क्या दिया गया है, क्या फीचर्स हैं, क्या स्पेक्स हैं, और प्राइस के साथ कब ये भारत में लॉन्च होगा। तो चलो करबो ना आर देरी, शुरू करी तातारी। दोस्तों, ऑनर ने चाइना में लॉन्च कर दिया है ऑनर 30S। अब ये जो स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हुआ है उम्मीद करते हैं ये भारत में जल्द से जल्द लॉन्च हो जाए, जब ये सिचुएशन थोड़ा सा स्थिर हो जाएगा। चलिए, ये जो फ़ोन है ये वन ऑफ द चीपेस्ट आप कह सकते हो 5G स्मार्टफोन है, एटलीस्ट अभी तक के लिए। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी भी इसका खास देखने को मिल जाएगा आपको। ऑनर 30S में पीछे में आपको पूरा ही ग्लास डिजाइन देखने को मिल जाएगा, यानी ग्लास का उपयोग किया गया है, ग्रेडियंट कलर्स के साथ आ रहा है और बहुत ही ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ। पीछे में आपको 4 कैमरास मिलेगा और कैमरास का मॉड्यूल भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको नहीं मिलेगा, साइड में आपको मेटल फ्रेम दिया गया है, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अभी इसके जो डिस्प्ले हैं ये डिस्प्ले भी धासु मुझे लगा, 6.5 इंचेस के आसपास आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, वो भी लेफ्ट साइड में एक पंच होल डिस्प्ले मिलेगा और उसी पंच होल में आपको एक कैमरा मिलेगा। और 6.5 इंचेस का जो ये डिस्प्ले है इसमें जो बेजल्स और चिन ये काफ़ी कम है, तो इंटरटेन के लिए आप कह सकते हो काफ़ी अच्छा है। 405 PPI आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलता है, यानी ब्राइटनेस लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यस, ये एक फुल HD प्लस पैनल है IPS डिस्प्ले के साथ। इसमें आपको नोटिफिकेशन एलईडी लाइट मिल जाएगा और जो रैम एंड रोम वो आपको 2 वेरिएंट में मिलेगा, 8GB और 128GB रैम एंड रोम वेरिएंट के साथ, 8GB और 256GB रैम एंड रोम वेरिएंट के साथ। UFS 2.1 स्टोरेज स्पीड आपको दिया गया है, साथ में LPDDR4X भी रैम यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा है। हाँ, आप यहाँ पे microSD कार्ड का उपयोग ज़रूर कर सकते हो। ये एक 5G एनेबल स्मार्टफोन है, तो 5G आपके हाथ में होगा, पर भारत में कब आएगा इसके बारे में कोई भी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताओ, आप क्या 5G स्मार्टफोन के लिए उतना उद्ग्रीव हो, आपको उत्साह या उत्सुकता उतना ज़्यादा है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आपके भाई को थोड़ा सा आगे जाने में सहायता कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर पुश कर दीजिएगा। चलिए, बात अब यहाँ पे प्रोसेसर की, तो ये प्रोसेसर भी मुझे काफ़ी खास लगा। यहाँ पे आप जानते हो ऑनर के हर एक फ़ोन में ऑनर का खुद का हाई सिलिकॉन किरिन का प्रोसेसर मिलता है, इसमें भी आपको हाई सिलिकॉन किरिन का 820 ये प्रोसेसर मिलेगा, यानी 820 ये प्रोसेसर जो किरिन है, और इसमें आपको 7 नैनोमीटर फिनफेट टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको जो GPU मिलेगा वो माली G576 ये GPU पे आपको मिल जाएगा, तो GPU भी यहाँ पे काफ़ी खास है, आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी खास देगा, और आप कह सकते हो गेमिंग एक्सपीरियंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, डे टू डे यूसेज में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, अब बात करते हैं कैमरास की, तो यहाँ पे आपको 4 कैमरास मिलेगा। जो प्राइमरी कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का f/1.8 अपर्चर के साथ। दूसरा कैमरा है, ये मुझे काफ़ी धासु लगा, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस f/2.4 अपर्चर के साथ। 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है और ये भी f/2.4 अपर्चर के साथ आता है। और अंत में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर f/2.4 अपर्चर के साथ। और वो जो सामने में आपको पंच होल डिस्प्ले मिलता है, इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलता है। आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, EIS, ये सब कुछ मिल जाएगा, नाइट मोड, सुपर स्लो मोशन, टाइम लैप्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। अभी इसमें बैटरी जो दिया गया है वो 4000 mAh के आसपास, नहीं 4000 mAh दिया गया है, साथ में USB Type-C और 40W का एक फास्ट चार्जर आपको मिल जाएगा, जो ऑनर क्लेम कर रहा है 30 मिनट्स पे 70% तक ये आपके फ़ोन को चार्ज कर देगा, काफ़ी
अच्छा है। इसमें आपको सभी सेंसर्स मिल जाएगा, साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, फेस अनलॉक का फीचर्स मिलेगा और ये रन कर रहा है एंड्रॉयड 10 के साथ मैजिक यूआई 3.1 में। तो काफी अच्छा लगा इसका जो फीचर्स, इसका जो स्पेक्स। अब सुनिए इसका प्राइस कितना है। देखिए चाइना युआन में जो ये फोन लॉन्च हुआ है 8GB 128GB के साथ, इसका प्राइस 24,999 होके आता है इंडियन करेंसी में। और जो इसका और एक वेरिएंट 8GB 256GB, इसका प्राइस निकल के आया है 29,999 के आसपास। तो 25,000 में आपको एक 5G स्मार्टफोन मिल रहा है। अब भारत में कौन से प्राइस में ये लॉन्च होगा, ये तो उम्मीद करते हैं इससे कम में ही भारत में लॉन्च किया जाएगा ऑनर की तरफ से, ऑनर 30S को। अब ये कब तक आएगा, देखिए अभी जो सिचुएशन है अभी तो आपको नहीं मिलेगा, पर उम्मीद करते हैं नेक्स्ट महीने या इस महीने के अंत तक ये स्मार्टफोन आना चाहिए, जरूर चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है।